स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत 5:25 बड़ी खबरों के साथ। संयुक्त राष्ट्र में अहम रोल निभाने के लिए हुआ भारत का चयन। इकोसॉक में 2 वर्षों का होगा कार्यकाल। भारत में 63 दिन बाद 1 लाख से कम नए कोरोना केस। बीते 24 घंटे में 2123 की मौत। दिग्विजय सिंह की याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने मांगा मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा मामले में कार्रवाई का ब्यौरा। केंद्र की ओर से आखिरी नोटिस पर ट्विटर ने दिया जवाब। कहा हम भारत के प्रति प्रतिबद्ध सरकार से बातचीत जारी। पुणे के केमिकल प्लांट में भीषण आग लगने से 12 महिलाओं सहित 17 की मौत। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। यूएनजे के नए अध्यक्ष होंगे मालदीव के विदेश मंत्री शाहिद अब्दुल्ला। भारत ने मालदीव को दी शुभकामनाएं। कनाडा में ट्रक ड्राइवर ने मुस्लिम परिवार को निशाना बनाकर रौंदा। 4 की मौत। अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे जेफ बेजोस। कहा धरती को अंतरिक्ष से देखना आपको बदल देता है। अमेरिकी सीनेटरों के ताइवान दौरे से बौखलाया चीन। जताया राजनयिक विरोध। ब्रिटेन में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। मार्च के बाद इस महीने में दर्ज हुए सबसे ज्यादा केस। यूपी के सभी 75 जिलों से हटाया गया कोरोना कर्फ्यू। जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना वैक्सीन पर अखिलेश यादव का यूटर्न। बोले अब लगवाएंगे भारत सरकार का टीका। शराब माफिया अनिल चौधरी के कोल्ड स्टोरेज पर चला बुलडोजर। करोड़ों की भूमि को चिन्हित कर कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ बोले कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करें विश्वविद्यालय। ग्रेटर नोएडा के केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मची अफरा तफरी। आसपास की कंपनियों को पुलिस ने खाली कराया। अश्विन ने मांजरेकर को दिया फिल्म के डायलॉग के साथ मजेदार जवाब। कहा ऐसा मत करो मेरे दिल में दर्द होता है। टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे की तारीखों का ऐलान। 13 जुलाई को दौरे की शुरुआत करेगी टीम इंडिया। पीएसएल शुरू होने से पहले मैदान पर बड़ा हादसा। मुंह पर गेंद लगने से खिलाड़ी बुरी तरह चोटिल। 7 टांके लगे। वसीम जाफर ने छिड़का इंग्लैंड के जख्मों पर नमक। कहा पुराने ट्वीट डिलीट करने में व्यस्त खिलाड़ी। ओली रॉबिन्सन को निलंबित करने का मामला ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तक पहुंचा। लॉर्ड्स टेस्ट में डेब्यू किया और कुल 7 विकेट झटके। यामी गौतम के वेडिंग पोस्ट को कंगना रनौत ने किया हाईजैक। आयुष्मान खुराना के कमेंट पर दी प्रतिक्रिया। अस्पताल से सामने आई दिलीप कुमार। सायरा बानो की लेटेस्ट फोटो। फैंस कर रहे दुआ। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर किशोर कुमार के बंगले को म्यूजियम में किया गया तब्दील। प्रशासन ने शुरू की तैयारी। मोहित रैना ने एक्ट्रेस सारा शर्मा समेत 5 लोगों पर लगाया जबरन वसूली का आरोप। पुलिस ने कई धाराओं के तहत दर्ज की एफआईआर। शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया नया वर्कआउट रूटीन। खूब हो रहा है वायरल।
5:25 में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे।